I am Dr. Sharda Jain. I am a Secretary General of Delhi Gynecologist Forum, a teacher, a good doctor, a doctor who believes 360-degree care. ये सब मैंने कहां से पाया? मैं एक ही वाक्य बोलूंगी, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मैंने टीचर होकर क्या पाया? 10 मंत्र हैं, ये मेरे मंत्र नहीं है, ये मेरे गुरुओं के मंत्र हैं। जिन्होंने हमें सिखाया डॉक्टर बनना, हीलर बनना एक बहुत ऊंचा ओहदा है, इसको आसानी से मत लीजिएगा। पेशेंट आया, उसके अपने सिम्टम्स बताए और आपने दवा लिख दी, ये डॉक्टर नहीं है, ये बिल्कुल डॉक्टर नहीं है। आपको हीलिंग के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, इस व्यक्ति को किस तरह से पूरी तरह से ठीक करना है। जो मंत्र है उन्होंने मुझे सिखाए, सबसे बड़ा मंत्र है पेशेंट सेंट्रिक, पेशेंट को ध्यान रखिए। जब भी आपका पेशेंट से ध्यान हट गया, पेशेंट की लाइफ तो खराब हुई, आप भी खत्म हो गए। दूसरी चीज बताइए, पेशेंट अपनी डायग्नोसिस लेके आता है। सुनो, बोलो कम। जब एग्जामिन करो तो ऊपर से नीचे तक एग्जामिन करो। जो चीज आपके लिए करना जरूरी है, आपकी डायग्नोसिस के क्लिंच करना जरूरी है, वो आप करो। बीपी कोई और ले सकता है, पल्स कोई और ले सकता है, पर एग्जामिनेशन आपके हाथों से होना चाहिए। जब भी आप उससे बात करो, सच बताओ, कंट्री के प्रेसिडेंट को ठीक करना भी हमारा काम है, उसकी चपरासी को भी ठीक करना हमारा काम है। दोनों की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, सब बराबर है। आप क्वालिटी केयर में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। यहां तक हो सके उसकी मदद करो, उसको सच बताओ, जरा सा डाउट उसको रेफरल दो। तो मैंने क्या पाया? मैंने जितना दिया नहीं उससे बहुत बहुत ज्यादा पाया, रेस्पेक्ट पाया, ढेरों सा।
उसने मुझे इतना अमीर बना दिया, उसका जवाब ये जन्म क्या, 100 जन्म मुझे लेने पड़ेंगे। उनका शुक्रिया, जो भी मुझे आता है मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे सिखाया, मुझे प्योर बनाया, मुझे पीसफुल बनाया, मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाया, मुझे रिस्पेक्ट देना सिखाया। मुझे विजडम के कुछ शब्द बोलने सिखाए, उनके सानिध्य में आई फील ब्लिसफुल ऑल द टाइम। मुझे मौका मिला उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, मुझे मौका मिला उनको कुछ सिखाने का, मैं ये लेके उतरी नहीं थी। अभी भी मेरी दिली इच्छा है कि जो भी मुझे आता है मैं तो बांटू, जिससे एक रिपल इफेक्ट आ जाए, वो आगे बांटे। WHO कहता है हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, उनकी डॉक्टर्स ही बहुत है, उनकी स्किल्स ही बहुत है। 95% प्रॉब्लम ये ट्रेन्ड डॉक्टर्स, ये ट्रेन्ड नर्सेस कर सकते हैं, खाली 5% की जरूरत है उनको टर्शरी केयर अस्पताल में पहुंचाने की। प्राइमरी केयर में 50% काम निपट जाएगा। खाली उनको डाइट बतानी है, एक्सरसाइज बतानी है, उनको रिलैक्स करने का तरीका बताना है, उनको मेडिटेशन सिखानी है, उनको हेल्पिंग एटीट्यूड सिखाना है और पॉजिटिव रहना सिखाना है। दैट्स ऑल। मिड लेवल थोड़ा स्किल भरा है, ये लोग कर लेंगे, बहुत सारे डॉक्टर हमारे पास। यही मंत्र पाए हैं मैं एज ए टीचर्स को कि मैंने बहुत कुछ पाया है। धन्यवाद, आपने मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया।